हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डॉट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ में ज़ेरोथ फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ एन, ओके, शिफ्टिंग जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एक्स ऑफ जेड अगर है इसका, ठीक है, एक्स ऑफ एन है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हुआ हमारा, एक्स ऑफ जेड है, ठीक है, विद आर ओ सी, विद आर ओ सी इक्वल टू आर, ठीक है। कोई सिग्नल है एक्स ऑफ एन, उसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है विद आर ओ सी इक्वल टू आर। अब अगर हमने एक्स ऑफ एन सिग्नल को माइनस एन नॉट से शिफ्ट कर दिया है, यहाँ एन नॉट कुछ भी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, एन नॉट से शिफ्ट कर दिया है, अब उसका जेड ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिलेगा वो देखना है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म मिलेगा जेड टू द पावर माइनस एन नॉट एक्स ऑफ जेड, मीन्स जिस वैल्यू से शिफ्टिंग होगी वही हमारा जेड के पावर में जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, क्लियर है। इसका क्या होगा, विद आर ओ सी, विद आर ओ सी इक्वल टू आर, ठीक है, आर ओ सी इक्वल टू आर, एक्सेप्ट दो पॉइंट, या तो वैल्यूज जो है हमारी जेड की जीरो हो या फिर इन्फिनिटी हो। इसमें दो केस हो सकते हैं ना, यहाँ पे एन प्लस एन नॉट भी हो सकता है, एन प्लस एन नॉट, दोनों तरीके से कोई भी जेड ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जेड टू द पावर एन नॉट एक्स ऑफ जेड, ठीक है। तो अब इन दोनों केस को अगर बात करें तो इसके लिए भी विद आर ओ सी इक्वल टू आर, एक्सेप्ट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। क्योंकि अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे अगर हम जेड की वैल्यू क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो ये वन बाई जेड टू द पावर एन नॉट बनेगा। अब जब जेड की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो वन बाई जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसके अगर ये माइनस में अगर शिफ्टिंग करेंगे तो उसके लिए जीरो नहीं होना चाहिए, जेड इक्वल टू जीरो, और अगर प्लस में शिफ्टिंग करते हैं तो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए मिला के हमने लिख दिया है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं कि इसका प्रूफ, ये एक्चुअल में जो हमने किया है उसका प्रूफ कैसे हुआ वो हम देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। ओके, तो अगर यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ठीक है एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट का जेड ट्रांसफॉर्म यही लेना था हमें, ओके, तो हम इसको लेते हैं। तो जैसे जनरल हम तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वैसे ही करेंगे, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स ऑफ जो सिग्नल दिया हुआ है, ये सिग्नल हमारे पास ये दिया हुआ है एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट, ओके, जेड टू द पावर माइनस एन, यही होता है माइनस इन्फिनिटी सिग्नल जो दिया हुआ है जेड टू द पावर माइनस एन, क्लियर। अब क्या करेंगे, एन माइनस एन नॉट, एन माइनस एन नॉट, इसको हम वैल्यूज मान लेंगे एम, एन माइनस एन नॉट की जगह एम मान लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा,
चेंजेस m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये n की जगह ये m है, ठीक है, ये वैल्यूज भी हमारी हो जाएगी। n माइनस एन नॉट की जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, x ऑफ m, ओके, n की जगह क्या लिख देंगे, m प्लस एन नॉट, z टू द पावर माइनस m प्लस एन नॉट, ओके। अब इसको z टू द पावर माइनस m और z टू द पावर माइनस एन नॉट करेंगे, फिर z टू द पावर माइनस एन नॉट को बाहर कर लेंगे, z टू द पावर माइनस एन नॉट को बाहर कर लिया, m इक्वल टू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ m और z टू द पावर माइनस m, z टू द पावर माइनस m। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, z टू द पावर माइनस एन नॉट, और इसको क्या लिख देंगे, इसको इसको लिख देंगे x ऑफ z, क्योंकि ये उसी फॉर्म में है, x ऑफ z, अगर z ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो कैसे करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्नल z टू द पावर माइनस n, ठीक है, या माइनस n, तो उसी फॉर्मेट में है, तो इस पूरे को हम x ऑफ z लिख देंगे। तो ये जैसे हमने किया था x ऑफ n माइनस एन नॉट z टू द पावर माइनस एन नॉट x ऑफ z, ये वही आ गया वापस से x ऑफ n माइनस एन नॉट के लिए, ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, कैसे करना है वो चीज़ें हम देख लेंगे। इसे एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं, डेल्टा एन लिया हमने यहाँ पे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये तो पता ही है, वन होगा इसका जेड ट्रांसफॉर्म। अगर इसी को हम शिफ्ट कर दें वन से इम्पल्स को एन माइनस वन, तो अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो हमने बताया था जो शिफ्ट वाली है वैल्यूज उसको पावर में ले जाते हैं जेड के, जेड टू द पावर कितना होगा माइनस वन, ओके, और फिर जो सिग्नल आएगा ये आएगा सिग्नल डेल्टा एन आएगा, डेल्टा एन का क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म वन होता है, इसलिए जेड इनवर्स। अब इसी को अगर प्लस में शिफ्ट कर दें एन प्लस वन कर दें तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जो भी शिफ्टिंग वाला है उसको जेड के पावर में लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ, प्लस के साथ का मतलब जेड टू पावर वन, ठीक है, प्लस में इस तरीके से, ठीक है, चाहे प्लस लिखें चाहे ना लिखें, चाहे इस तरीके से लिख दें, बट समझाने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं जेड टू द पावर प्लस वन, क्लियर है। अब इसका अगर आर ओ सी की बात करें तो आर ओ सी क्या होगा, इसका इंटायर जेड प्लेन इसकी बात करें तो इसका भी क्या होगा, इंटायर आर ओ सी, इसके लिए आर ओ सी इंटायर जेड प्लेन होगा, एक्सेप्ट z इक्वल टू जीरो, क्योंकि वन बाई जेड है, अब z की जगह जब जीरो कर देंगे तो वन बाई जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ऐसे पॉइंट को इंक्लूड हम नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो z इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट z इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से इसका भी आर ओ सी देखेंगे, आर ओ सी इंटायर z प्लेन, एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट आएगा, z इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि z के पावर वन है, मतलब z है सिर्फ, ओके, तो z की जगह अगर इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या है, कंडीशन वैलिड नहीं होगी, z ट्रांसफॉर्म के लिए क्या इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो आर ओ सी यहाँ पे तो क्या होगा, z इक्वल टू इन्फिनिटी, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सेप्ट, ठीक है, आर ओ सी इस केस में क्या होगा, इंटायर जेड प्लेन, पूरा जेड प्लेन पे आर ओ सी होगा सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये वाले पॉइंट को छोड़ के आर ओ सी पूरे इंटायर जेड प्लेन पे होगा। इसी तरीके से इस केस में क्या होगा, जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि वन बाई जेड फॉर्म बन रहा है और जीरो पुट करने पे वन बाई जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या है, इस पॉइंट को छोड़ के आर ओ सी इसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होगा,
इंटायर इज ए प्लेन, यहाँ वन है तो जेड के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है पुट करने के लिए, तो इसके लिए आर ओ सी क्या होगा, इंटायर जेड प्लेन। तो इस तरीके से करेंगे। अब अगर सारे ये तीनों को मिक्स कर दें, डेल्टा एन ओके प्लस डेल्टा एन, इसको एन माइनस वन कर दें इस यहाँ पे इस तरीके से, डेल्टा एन माइनस वन डेल्टा एन प्लस डेल्टा एन प्लस वन, ठीक है। तो अब इसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एन माइनस वन, एन माइनस वन का क्या है, जेड इनवर्स है, डेल्टा एन का क्या है, वन है, एन प्लस वन का क्या है, जेड टू द पावर प्लस वन है, जेड टू द पावर प्लस वन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिग्नल, इसी यहाँ पे शिफ्टिंग में कुछ भी टू थ्री कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, तो उसको इस तरीके से करके रिप्रेजेंट कर देंगे जेड ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आर ओ सी जो भी आएगा वो देख लेंगे। अब यहाँ पे अगर इसकी ओवरऑल इसकी ये जो पूरा सिग्नल दिया हुआ है इसके लिए आर ओ सी अगर पूछा, ठीक है, तो आर ओ सी क्या होगा इसका, आर ओ सी होगा इंटायर जेड प्लेन, इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो एंड इन्फिनिटी, यहाँ और नहीं करेंगे। रीजन है क्योंकि यहाँ दोनों एक साथ है, अगर जेड की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो यहाँ तो चल जाएगा, बट यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो पुट करने पर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं पुट कर सकते। एंड इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे साथ में है, अगर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पे तो चल जाएगा, बट यहाँ पे जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करने पे पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो किसी एक पॉइंट के लिए भी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट को हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके अलावा जितने पॉइंट आएंगे सब पे हमारा वैलिड होगा, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यूज मिलेगी, तो इनफाइनाइट कभी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कौन से पॉइंट एक्सक्लूड हो रहे हैं, जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। तो इस तरीके से टाइम शिफ्टिंग है, इसका हमने प्रूफ भी दिखा दिया एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करना है, और आर ओ सी कैसे कैसे चेंजेस हो रहे, किस पॉइंट को इंक्लूड करना है, किस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हमने क्लियर कर दी हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।